दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्मृति व्याख्यामाला के पांचवें दिन आधुनिक ज्ञान परंपरा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि दिग्विजयनाथ स्मृति व्याख्यानमाला का पांचवा दिन है, जिसमें आधुनिक ज्ञान परंपरा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषय पर चर्चा की गई है, जो कि बहुत ही प्रासंगिक विषय है। यह भविष्य में पूरी व्यवस्था को संचालित करने में इसका योगदान होने वाला है। अपने विद्यार्थियों को इससे परिचय करवा रहे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बलिया चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव गुप्ता आए हुए हैं और मुख्य वक्ता के रूप में झारखंड सरकार के ओएसडी डॉक्टर संजीव राय आए हैं, जिसका उद्बोधन विद्यार्थियों को प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा, हमारी ज्ञान परंपरा किधर जा रही है, यह उसमें सूचना तकनीक का व सूचना प्रौद्योगिकी का कहां तक इस्तेमाल हो रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मनुष्य अपनी बुद्धि से काम करता था, वह मनुष्य के द्वारा शुरू हो गया है और भविष्य में और आगे बढ़ने वाला है। इसलिए सभी विद्यार्थियों को इसमें परिवर्तन करना होगा, इसलिए इस प्रकार का विषय चयनित किया गया है। आपको सुनने के लिए व्याकुल हैं, जिससे कि हम सभी का गुप्ता जी का शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से पीएचडी करने के उपरांत ओरिजिन की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा अपने विषय को बदल लूंगा और उसको अगर इजाजत हो तो मैं उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बजाय टेक्नोलॉजी एज ए होल के संदर्भ में बात करूँगा तो वो ज़्यादा मुझे लगता है सुग्रह है। देखिए, मुझे सबसे अच्छा तो ये लग रहा है कि इस हॉल में सबसे ज़्यादा लड़कियाँ बैठी, ये हमारे बदलते देश की ही नहीं उस शिक्षा के बदलते चरित्र का भी एक सूचकांक है। हमारे जी के लोग बैठे हैं जो इनकी जो बात करना पड़ेगा और वाणिज्य और लक्ष्मी और सरस्वती दोनों एक साथ बैठे हो तो ये भी अद्भुत है। और उसमें राज्य राज्य जो पॉलिटिकल साइंस के लोग भी साथ में मौजूद हो तो ये बड़ी अच्छी त्रिवेणी बन रही है, जिसमें यहाँ मंच पे स्टेज लक्ष्मी और सरस्वती तीनों का एक एक सामंजस्य है बन रहा है, तो ये भी बहुत एक सुखद पहुंची है। और एक छोटी सी एडिशनल ऑब्स्टिकल, कोई छोटी सी एक और बाधा इनको वापस। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने कहा, युग पुरुष महान दिग्विजयनाथ स्मृति व्याख्यानमाला का आज पांचवा दिन है और विभिन्न विषयों पर हम उत्कृष्ट कोटि के विशेषज्ञों को आमंत्रित करके और उनका व्याख्यान करा रहे हैं। आज का जो विषय है, आधुनिक ज्ञान परंपरा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है और भविष्य में पूरी व्यवस्था को संचालित करने में इसका योगदान होने वाला है। तो हम अपने विद्यार्थियों को इस विषय से और इसकी उपयोगिता से परिचय कराने वाले हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के माननीय कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता जी और मुख्य वक्ता के रूप में झारखंड सरकार के राज्यपाल के ओएसडी डॉक्टर संजीव राय जी हैं, उनका उद्बोधन विद्यार्थियों को प्राप्त होगा। आज का मुख्य है कि आधुनिक ज्ञान परंपरा, मतलब हमारी जो ज्ञान परंपरा है वो किधर जा रही है, उसमें सूचना तकनीक का और सूचना प्रौद्योगिकी का कहाँ तक इस्तेमाल हो रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मनुष्य अपनी बुद्धि से काम करता था वो मशीनों द्वारा किया जा रहा है, शुरुआत हो गई है और भविष्य में ये बहुतायत में बढ़ने वाला है, तो ये किस प्रकार का आगे जो समाज है उस समाज के अनुसार अगर विद्यार्थी और हम सभी लोग अपने परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम अप्रासंगिक हो जाएंगे।
इसलिए इस प्रकार का विषय चयनित किया गया है।